Hi everyone. Combined examination for National Eligibility Test NET 2021, Agricultural Research Services ARS 2021 preliminary and Senior Technical Officer STO T6 का रिजल्ट जो है वो अनाउंस हो चुका है. आप यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले ARS 2021 का जो एग्जामिनेशन है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, उसमें टोटल 2791 कैंडिडेट्स जो हैं उनका सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है. ठीक है, लाइक टोटल ऑफ 2791 कैंडिडेट्स हैव बीन क्वालिफाइड इन 48 डिसिप्लिन्स. कैंडिडेट्स अपना जो भी रिजल्ट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द लिंक अवेलेबल ऑन ASRB's वेबसाइट, मैं आपको दिखाऊंगी अभी, यूजिंग देयर रोल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ. इन केस ऑफ कैंडिडेट्स हु बिसाइड्स ARS ऑल्सो हैव ऑल्सो अप्लाइड फॉर STO विद देयर कम्प्लीट, उनके जो कम्प्लीट डिटेल्स होंगे, जो उनके मार्क्स आए होंगे CBT में, विल बी मेड अवेलेबल ओनली आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ STO T6. ठीक है, डिसिप्लिन वाइज कट ऑफ फॉर ARS 2021 जो होगा वो आपको यहाँ पे नीचे दिया गया है, मैं दिखा देती हूँ अभी. ओनली सच कैंडिडेट्स जिनका क्वालिफिकेशन या जिन्होंने क्वालिफाई किया है ARS बेसिकली प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी अलाउड टू अपियर फॉर द मेन्स एग्जामिनेशन. अब आपका मेन्स एग्जामिनेशन होगा. ठीक है, जो कैंडिडेचर है इन बच्चों का, इन कैंडिडेट्स का, वो प्योरली प्रोविजनल है. पहले भी बताया गया था, पहले जैसे कि नोटिफिकेशन में इन्होंने बोला था कि जो ARS मेंस एग्जामिनेशन होगा वो होगा 28th of November को एट रिस्पेक्टिव नोटिफाइड सेंटर्स. द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अपना जो भी ARS का सर्टिफिकेट, एडमिशन सर्टिफिकेट या एडमिट कार्ड जिसको कि हम बोल सकते हैं, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द लिंक टू बी मेड लाइव विद इफेक्ट. लाइक आपको कब ये लिंक जो है वो लाइव हो जाएगा, 12th of November 2021 से. ठीक है, तो तब से आप इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. फिर चलते हैं नेट 2021 एग्जामिनेशन की तरफ. टोटल 11,058 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे इन 60 डिसिप्लिन्स. ये भी बच्चे अपने रिजल्ट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द लिंक गिवन ऑन द वेबसाइट, अपना रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ यूज़ करके. अगर नेट के अलावा आपने STO के लिए भी अप्लाई किया है तो उसका रिजल्ट जब फाइनल डिक्लेरेशन हो जाएगा रिजल्ट का, उसके बाद में उसके जो डिटेल्स ऑफ मार्क्स है वो आपको दिखाए जाएंगे. नेट सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट हु ऑल्सो अप्लाइड फॉर ये विल बी इशूड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ STO. हाउएवर जो बच्चे नेट सर्टिफिकेट टू अदर क्वालिफाइड कैंडिडेट, वो बीच में ही आपको मिल जाएगा. STO एग्जामिनेशन के बारे में भी यहाँ पे मेंशन की गई हैं चीज़ें, आप देख सकते हैं. ठीक है, इन द कम्बाइंड एग्जामिनेशन फॉर नेट 2021 ARS 2021 एंड सीनियर टेक्निकल ऑफिसर द कैंडिडेचर ऑफ सम कैंडिडेट्स हैव बीन कैंसल्ड. तो लिस्ट जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि किन बच्चों का कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया गया है फॉर वॉट सो एवर रीज़न, वो आप लोगों को शायद मेंशन किया जाएगा. अब यहाँ पर अगर हम जाएंगे, आई एम नॉट श्योर कि क्यों उन्होंने इसको अगर हम यहाँ जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ARS प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का कैटेगरी और डिसिप्लिन वाइज कट ऑफ आपको मार्क्स बताया गया है. ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग सिनेरियोज़ में आपका कट ऑफ मार्क्स अलग अलग है. जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से हम बोलते हैं प्लांट बायोकेमिस्ट्री, तो वहाँ जनरल का कट ऑफ है 68, EWS नहीं मेंशन है, OBC 63.33. ठीक है, इस तरीके से मेंशन है. इसके अलावा लेट्स से हम बोलते हैं आपका जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, तो इट्स 107.67 फॉर EWS. अलग अलग कैटेगरी का मेंशन कर दिया गया है. आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हैं उसका जो लिस्ट है वो यहाँ पे आप क्लियरली देख पाएंगे. ठीक है, ऐसे ही बहुत जितनी भी कैटेगरीज थी उन सब का बता दिया गया है, सारे सब्जेक्ट्स का मेंशन कर दिया गया है. ओके, फिर आगे यहाँ पे जो जिन बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया है फॉर इंटरव्यू फॉर सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, उन सब का रोल नंबर यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है. ऑलराइट, एंड देन क्या क्या आप लोगों को चाहिए होगा, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड फॉर STO मेंशन कर दिया गया है. जिन बच्चों का कैंडिडेचर कैंसिल हुआ है उसका जो रोल नंबर है वो भी आपको यहाँ पे दे दिया गया है. क्यों हुआ है बता दिया है आपको कि डिसीजन जो भी है उनका है अकॉर्डिंगली, कोई इस डेट पर कोई डिसीजन लिया गया था उसके अकॉर्डिंग ये आपका कैंसिलेशन हुआ है. ठीक है, अब अगर आप अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं तो कहाँ जाएंगे, आप ICR की वेबसाइट पर जाएंगे. ठीक है, यहाँ पर आपको ये तीनों के स्कोर कार्ड देखने मिल जाएगा. तो अगर आप स्कोर कार्ड देखना चाहते हैं तो यहाँ पे थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड को यूज़ करके, या फिर एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ को यूज़ करके कर सकते हैं. और ARS का सर्टिफिकेट अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, उसका जो रिजल्ट है बेसिकली वो आप देखना चाहते हैं कि क्या हुआ, आपका सिलेक्शन क्वालिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसके लिए रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे फिल करके और लॉग इन करके इसको देख सकते हैं. अगर आपने लेट से अपना रोल नंबर आपको याद नहीं है तो भी इन्होंने यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर में से कोई भी एक चीज़ को यूज़ करके, मतलब ये और ये, इनमें से कुछ भी एक चीज़ को यूज़ करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका रोल नंबर क्या है.
ठीक है, तो आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है. कॉन्ग्रेचुलेशन्स टू ऑल दोज हु क्वालिफाइड फॉर दिस एग्जामिनेशन. ARS एक बहुत अच्छा एग्जामिनेशन होता है. इवन नेट भी, नेट तो आई थिंक कोई भी नेट हो आपके पास होना चाहिए एक नेट एग्जामिनेशन का. ये फॉर बीइंग एलिजिबल आपको असिस्टेंट प्रोफेसर यदि बनना है तो. ऑल्सो अगर आप ARS प्रिलिम्स आपने क्वालिफाई कर लिया है तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन्स. मेन्स के लिए अच्छे से तैयारी करो. 28th of November को आपका मेन्स एग्जामिनेशन है और अच्छा एग्ज़ाम होता है. सीट्स कम होती हैं लेकिन अच्छे से पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली निकाल सकते हो. ठीक है, बाकी अगर आप मेरे साथ बहुत सारे क्रैश कोर्सेज में अकेडमी में जुड़ना चाहते हैं तो DGLive इज़ द कोड. 10% डिस्काउंट के लिए बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं इस वक्त, तो उनको यूज़ कीजिए. ठीक है, और ज्वाइन कर सकते हैं. टेक केयर एवरीवन, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.